तुम तो कहते थे कि शादी के बाद भी मुझसे ऐसे ही प्यार करोगे। अब मुझे ये थोड़ा ही पता था कि तुम्हारी शादी मेरे साथ ही हो जाएगी। मुनीब, मुझे तुम्हारी पॉकेट से कुछ मिला है, क्या है ये? दिमाग से लंगड़ी हो गई हो? दिमाग नहीं चल रहा तुम्हारा, साफ दिख रहा है मूवी की टिकट है, फिर क्यों पूछ रही हो? तो ये मूवी देखने किसके साथ गए थे? मेरे ऑफिस की कलीग उपासना, उपासना उसके साथ गया था। मूवी का नाम है अंधेरी रात में दिया तेरे हाथ में। पूरी पारिवारिक मूवी है, फैमिली का हर एक बंदा अलग अलग बैठ के एंजॉय कर रहा था। टॉप लेफ्ट कॉर्नर सीट ली थी, इंटरवल में पॉपकॉर्न भी खाए थे, उसके बाद घूमने भी गया था। और कुछ इतनी हिम्मत आ गई तुम्हारे अंदर जो ये सारी बातें बताते हो, तुम्हें डर नहीं लग रहा है? नहीं लग रहा। क्यों? क्योंकि ये सब मैं तुम्हारे लिए कर रहा हूँ। अच्छा, कैसे? आज सुबह एक बंदे का 1000 का नोट गिर गया, तो मैंने सोचा कि वो नोट उठा लेता हूँ, शाम में आके तुम्हें दे दूंगा और तुम खुश हो जाओगी। लेकिन जैसे ही वो मैं नोट उठाने गया, उस वासना उपासना की नजर पड़ गई। बोली मुझे मूवी दिखाने ले चलो, वरना मैं सबको बता दूंगी। तो मैंने भी सोचा इसे मूवी दिखा देता हूँ, जो रुपए बचेंगे वो मैं तुम्हें ला के दे दूंगा, और तुम मुझ पे बस शक कर लो। शक की जंजीरों में मुझे बांध के नींबू की तरह दूध में निचोड़ के मुझे फाड़ दो। अच्छा, बाकी के बचे हुए पैसे कहाँ हैं? जिस जेब से ये तुमने टिकट निकाले हैं, उसी की टॉप लेफ्ट जेब देखो, उसमें 50 का करारा नोट रखा है तुम्हारे लिए। अच्छा सॉरी, मैंने तुम्हारे पर फालतू में ही शक किया। वैसे तुमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर वाली सीट ही क्यों ली? ताकि कोई अनजान आदमी मुझे लड़की के साथ बैठा ना देख ले, उसे क्या पता मैं तुम्हारे लिए इतनी मेहनत कर रहा हूँ। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ खाने में क्या बनाया है? चिकन अंगेजी नीम के पत्तों की रोटी के साथ। ठीक है फिर, जल्दी से लाओ, मुझे भूख लग रही है। क्या बात है, आजकल सवाल नहीं पूछ रहे? सवाल नहीं पूछूंगा आज के बाद, क्योंकि जवाब तू देते नहीं है सवाल का, और उसमें कमेंट्स में बहुत इंसल्ट होती है। देर से आई कैन नॉट सी दैट। ओहो, तुम कैन नॉट सी दैट, तुम्हें तो सबसे ज्यादा हंसी आती है कमेंट्स पढ़ पढ़ के। शिल्पा देख क्या कमेंट आया, ये देख क्या कमेंट आया। आज के बाद कोई सवाल नहीं। अरे पूछो पूछो। पक्का? पक्का पक्का पूछो। चल बता, एक आदमी 8 दिन तक बिना नींद के कैसे रह सकता है? छांट के पता नहीं कहां से लाता है तू सवाल। बिना एक आदमी बिना नींद के 8 दिन तक कैसे रह सकता है? चश्मा लगा के सो जाता होगा। गलत। आंखों पे प्रिंट बना लिए होंगे उसने आंखों जैसे। नो नो नो। जबकिया ले लेता होगा। नहीं। पानी मार के रखता होगा मुंह पे। अरे बेवकूफ, मैं कह रहा हूँ 8 दिन कैसे रह सकता है बिना नींद के, रात को सो जाता होगा। मैंने ध्यान से सुना नहीं था। वो तू सुना नहीं था। मुझे पता है, मुझे सब पता है। ये नहीं डालूंगी मैं, ये वीडियो नहीं डालूंगी। नो नो नो। मान लो अगर कोई सुंदर लड़की आपको फ्लाइंग किस करे तो आपको कैसी फीलिंग आएगी? क्या घंटा फीलिंग आएगी? अरे एक नंबर की आलसी होती है ऐसी लड़कियां, किस भी कोई फ्लाइंग करने की चीज है। अरे हिम्मत है तो पास आके देना। इस छुट्टी ना बालकनी के गेट पर कर्टन्स लगवा देना, सामने वाला पड़ोसी ना छुप छुप कर मुझे देखने की कोशिश करता रहता है। इतनी सी बात के लिए मैं क्यों खर्चा करूं? एक बार उसे अच्छे से देखने दे, फिर वो खुद ही कर्टन लगवाएगा अपने। हे प्रभु, हॉस्पिटल जाना है, कैसे जाऊं? एक काम कर, चौथी मंजिल पर जा और नीचे छलांग मार दे, हॉस्पिटल वाले खुद लेने आएंगे तुझे। ये देखो मेरी माँ की रिपोर्ट आई है, जरा पढ़ के बताना तो क्या लिखा है। अब ये भी मैं करूं? खुद से नहीं पढ़ सकती हो? अरे मेरी इंग्लिश थोड़ी कमजोर है ना। सब ओके है, बस तुम्हारी माँ को कुछ टेस्ट कराना है। हे भगवान, अब क्या होगा, मेरी माँ तो अनपढ़ है। कौन है ये लोग, कहाँ से आते हैं?